से आप हासिल कर सकते हैं, वो उर्दू पढ़ के भी हासिल कर सकते हैं। जो अंग्रेजी पढ़ के हासिल कर सकते हैं आप उर्दू पढ़ के भी हासिल कर सकते हैं। आज भी बल्कि उर्दू वालों के लिए तो ये और ज्यादा बेहतर है उनके हक में कि उर्दू जबान अगर आप पढ़ते हैं तो आप हिंदी भी अच्छी पढ़ सकते हैं, तलफ्फुज़ के साथ जो बेहतर तलफ्फुज़ हिंदी की बेहतर एक जो स्टैंडर्ड हिंदी है, और अंग्रेजी भी आप, क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन का जो निज़ाम है अंग्रेजी में वो कमोबेश वही निज़ाम उर्दू में है, फारसी में है, अरबी में है, बल्कि अरबी के निज़ाम तो हद सख्त है जरा। तो ये आपकी जबान जो है ना वो आप एक तरह से दस्तरस हासिल कर लेंगे दुनिया की बहुत सारी जबानों को सीखने के लिए, आपको उससे आसानियां पैदा होंगी अगर उर्दू अगर आप पढ़ते हैं तो कैरियर के एतबार से भी। तो इस लिहाज से लोगों में एक बेदारी पैदा करने की सब जरूरत थी, इस जरूरत को महसूस करते हुए शेख मोइन साहब ने इस सिलसिले में पहल की और इस तंजीम का क्याम अमल में आया और तकरीबन एक साल हम लोगों ने लॉन्चिंग इसकी 11 अप्रैल को की, तो वो काम और लॉन्चिंग का काम उन्होंने किया, फिर उसमें हम सब लोग शरीक हुए, अहमद जावेद साहब उसमें एजाजी मुशीर के तौर पे हैं, आप सरप्रस्त हैं, मैं चेयरमैन हूँ, एक कन्वेनर है अहमद जावेद साहब और मैं उसमें एक सरप्रस्त के साथ नहीं, ये टीम के सरप्रस्त यही है, अडवाणी ना अडवाणी के जैसा ना कहिए अलामत जो है ये वो।